उज्जैन जिले के बड़नगर में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर प्रशासन ने बार बार चेतावनी दिए जाने के पश्चात भी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का धारा 44 के अंतर्गत नगर में थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति द्वारा अब तक 80 व्यक्तियों की चालानी कार्यवाही की गई है। थाना प्रभारी ने नगर की जनता से अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बड़नगर से शांतिलाल परमार की रिपोर्ट। वर्तमान समय में कोरोना वायरस को लेकर कर्फ्यू लगा हुआ है हमारे शहर में और कर्फ्यू का पालन कराने के लिए हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। सभी कंटेनमेंट एरिया है, जोन है, उनमें भी पुलिस फोर्स लगाया गया है, मोबाइल पार्टी भी चलाई जा रही है, लगातार माइक सिस्टम से समस्त नागरिकों से अपील भी की जा रही है कि घरों से बाहर नहीं निकलें और जो आपूर्ति की आवश्यकता है, जो भी कोई सामान की आवश्यकता है, वो हम समय समय पर विभिन्न माध्यमों से उन तक पहुँचा भी रहे हैं। उसके बावजूद भी जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, लॉकडाउन को तोड़ते हैं, कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं, उसके विरुद्ध हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई धारा 188 IPC के तहत की गई है। अभी तक मेरे द्वारा 80 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और विभिन्न आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, वैधानिक कार्रवाई जारी है। हमारा विनम्र अपील है आम नागरिकों से कि ये आपका खुद का एक नैतिक कर्तव्य है कि शहर में इस प्रकार की महामारी नहीं फैल पाए, इसके लिए आप लोग लगातार सजगतापूर्वक घर के अंदर ही रहें। कंप्लीटली घर के अंदर रहने के बाद ही हम लोग इस कोरोना की जंग को जीत पाएंगे और हम नहीं चाहते किसी प्रकार से कोई अपराधी प्रकरण पंजीबद्ध किए जाए, परंतु जब कोई व्यक्ति लगातार किसी प्रकार के अपराधों को घटित करता है तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।